कला प्रश्नोत्तरी का यह पांचवा भाग है। इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। मैं हूं आपका साथी जितेंद्र कुमार जांगिड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज के दिन का पहला प्रश्न है, किसकी मदद से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी भाव उत्पन्न किया जा सकता है? तान, पोत, अंतराल या फिर रंग, किसकी सहायता से? साथियों याद रखिए, हम लोग यदि तान का प्रयोग करेंगे तो तान के प्रयोग से हम लोग द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को क्या कहा जाता है? बहुत सामान्य प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, याद रखिए। तो धरातल का गुण हो जाएगा रूप, तान, पोत या प्रकृति। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन जो है, पोत जो होता है वो धरातल का गुण होता है, खुरदरापन या फिर चिकनापन। अगला प्रश्न है, जयमंगला ग्रंथ की रचना किसने की थी? आचार्य दंडिन, यशोधरा, जयसिंह प्रथम या यशोधर? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंडित यशोधर जो कि जयसिंह प्रथम के दरबारी थे, उन्होंने जयमंगला ग्रंथ की रचना की थी, कामसूत्र की टीका। अगला प्रश्न है, कौन सी कला ललित कला में शामिल नहीं है? दोस्तों पांच ललित कलाएं होती हैं, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? इनमें आभूषण निर्माण कला, अभिनय कला, भवन निर्माण कला, फिर मूर्ति निर्माण कला। ललित कलाएं पांच हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, नाट्यकला, काव्यकला, ये सभी जो हैं किस में आती है? ललित कला में आती है। यहाँ पे कौन सी कला ललित कला में शामिल नहीं है? तो साथियों याद रखिए, यहाँ पे आभूषण निर्माण की जो कला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो उसका गलत जवाब होगा, बल्कि अभिनय कला, नाट्यकला, भवन निर्माण कला, वास्तुकला, मूर्ति निर्माण कला यानी कि मूर्तिकला। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका पहला। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, नल दमयंती। याद रखिए दोस्तों, अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अनवार ए सुहेली। अगला प्रश्न है, साथी अनवार ए सुहेली के अलावा अयार ए दानिश नाम भी आता है, वह भी पंचतंत्र का ही अनुवाद है, याद रखिएगा, और रज्मनामा महाभारत का है। अमूर्त कला का उदाहरण क्या है? कौन सी कला अमूर्त है? वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला या फिर चित्रकला? तो दोस्तों अमूर्त कला के रूप में हम बात करेंगे तो संगीत कला जो होती है वो अमूर्त है, इसका कोई रूप नहीं होता है, जबकि वास्तुकला, मूर्तिकला और संगीत चित्रकला मूर्त रूप में होती है। अगला प्रश्न है, पुस्तक हर्षचरित्र कादंबरी के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, महाकवि माघ, कालिदास या फिर बाण भट्ट? याद रखिए दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बाण भट्ट। बाण भट्ट जो है उन्होंने हरिश्चरित और कादंबरी नामक दो बुक्स लिखी हैं, जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? बर्निंगम संग्रहालय, ब्रिटेन सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद, पटना संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय? याद रखिए दोस्तों, बर्मिंगम संग्रहालय, यहाँ पे नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बर्मिंगम संग्रहालय जो है वहाँ पे सुल्तानगंज की जो प्रतिमा है, ताम्र प्रतिमा वहाँ पे रखी हुई है। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर इन रेड डेजर्ट, लाल रेगिस्तान में अंतिम भोज नामक किसका चित्र है? बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है ये, लास्ट सपर इन रेड डेजर्ट। साथियों याद रखिए, इसका जवाब हो जाएगा तैयब मेहता वर्तनी, माफ़ कीजिएगा सॉरी, इसका हो जाएगा एम एफ हुसैन इसका सही जवाब होगा। एमएफ हुसैन ने चित्र बनाया था लास्ट सफर इन डेजर्ट। अगला प्रश्न है, ललित विस्तर में कितनी कलाएं बताई गई हैं? जरूर से याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे पांच छह ग्रंथ ऐसे हैं जिनके अंदर इनके बारे में विवेचना देखने को मिलती है, उनमें से एक है ललित, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 86। जो आपको याद रखना है कि जो 86 जो है वो ललित कलाएं बताई गई हैं, कलाएं बताई गई हैं ललित विस्तर नाम के ग्रंथ में, जबकि वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया था। प्रश्न है, निम्न में से कला का तत्व नहीं है, कौन सा कला का तत्व नहीं? रूप, भेद, अंतराल, रंग या तान? तो इसमें से जो रूप भेद है वो कला का तत्व नहीं है, ये षडंग है। अगला है, तोते की उड़ान नामक चित्र किस कलाकार का है? तोते की उड़ान, भूपेन कक्कर, ए रामचंद्रन, के सी एस पणिकर या फिर के जी सुब्रमण्यम? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए रामचंद्रन जो है उन्होंने तोते की उड़ान नाम का चित्र बनाया है। अगला प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत का चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बिसंदास, जिनके इनको विदेश भेजा गया था जहांगीर के द्वारा, वहां पर उन्होंने एजुकेशन भी ली थी और साथ में उन्होंने ये चित्र बनाया था शेख फूल सूफी संत का। अगला प्रश्न है, चित्रकला के अंग कितने माने जाते हैं? ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 6 अंग, यानी कि षट प्लस अंग बराबर षडंग।
तो यहाँ पे जो षट का मतलब छः हो गया, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के आधार पे कला का वर्गीकरण दृश्य व श्रव्य किसने किया था? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हीगेल ने सबसे पहले इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण दो भागों में किया था। अगला प्रश्न है, जे स्वामीनाथन किस समूह से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ग्रुप 1890 जो है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है जे स्वामीनाथन। किसी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है? अंतराल, रेखांकन, चित्र या फिर रूप। दोस्तों किसी भी जब धरातल पे कुछ भी हम लोग करते हैं, पॉइंट करते हैं, इस पर तनाव पैदा हो जाता है, उसका जो प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या होता है, आपको याद रखना दोस्तों, जो रूप है इसका जवाब क्या हो जाएगा, रूप। अगला प्रश्न है, द मिल्क मेड नामक चित्र किस कलाकार का है? द मिल्क मेड, और इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, राजा रवि वर्मा ने द मिल्क मेड यानी कि ये उन्होंने चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से सम्मानित प्रथम कृति कौन सी है? समझ गए होंगे, जमीन नाम की जो कृति है वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित की गई पहली कृति है जो कि MF हुसैन ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले क्यूरेटर कौन थे? पहले क्यूरेटर की बात की जा रही दोस्तों, तो पहले क्यूरेटर कौन थे? जी हाँ, हरमन गोइट्स जो है इसका सही आंसर होगा। हरमन गोइट्स यहाँ के पहले क्यूरेटर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकला का अंग नहीं है? चित्र का अंग नहीं है, तो अंग यहाँ पे कितने होते हैं? जैसा कि हमने बताया 6 अंग होते हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं होगा? एकता या जो सहयोग है वो चित्र का अंग नहीं है, वो क्या है? संयोजन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, कथन किसका है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन कहाँ था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कलानाम प्रवरम चित्रम कामार्थ काम मोक्षदम, यह वाक्य किस ग्रंथ में है? तो साथियों जैसा कि यह प्रश्न रिपीट हो गया है, वैसे पहले भी बता दिया था मैंने, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चित्र सूत्र में, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण या चित्र सूत्र में यह श्लोक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाणिनि, नग्नजीत, भरत मुनि या फिर वात्स्यायन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, भरत मुनि ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? कला शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेकेंडरी कलर नहीं है, द्वितीय रंग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हरा, नारंगी और जामुनी तीनों क्या है? द्वितीय रंग है, लेकिन भूरा जो रंग है वो यहाँ पे सेकेंडरी कलर नहीं है। हालांकि जामुनी की यदि हम बात करें तो बैंगनी के समकक्ष इस रंग को हम लोग रखेंगे, इसलिए यह सेकेंडरी कलर में आएगा, बट कि भूरा रंग जो है वो द्वितीय रंग की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि रंग के बारे में पूरा वीडियो हमने बनाया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, SS रज्जा यानी कि सैयद हैदर रज्जा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो रज्जा जो है वो संबंध रखते हैं किससे? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बबेरिया में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जेब्रा नामक चित्र किस कलाकार का है? तो जेब्रा नाम का जो चित्र बनाया दोस्तों वो बनाया किसने? मंसूर ने। पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार मंसूर, जिन्होंने जेब्रा नाम का चित्र बना, जेब्रा, नीलगाय, टर्की कोक, ये सब इन्हीं के कुछ फेमस आर्ट वर्क्स हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला उपयोगी कला के अंतर्गत नहीं आती है? उपयोगी कला के अंतर्गत, व्यावसायिक कला के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती है? काव्य कला, काष्ठ कला, फोटोग्राफी या फिर वस्त्रकला। दोस्तों सही जवाब बताइए आप, इसका सही जवाब क्या होगा, सोचिए। हाँ, उपयोगी कला के अंतर्गत जो नहीं आती है उस कला का नाम है क्या दोस्तों? काव्य कला। काव्य कला जो होती है वो ललित कला का ही एक भाग मानी जाती है, यानी नाट्य कला के अंतर्गत जो है काव्य कला इंक्लूड होती है। हालांकि 5 ललित कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और नाट्य कला आती है, उन्हीं के अलावा काव्य कला भी उन्हीं में से एक कला है। अगला है, कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है, यह कथन किसका है? जी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? कला के लिए प्राचीन काल में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? याद रखिए दोस्तों यहाँ पे शिल्प जो शब्द है वो यूज किया जाता था, किसके लिए? कला के लिए यूज किया जाता था, क्राफ्ट वर्ड। अगला प्रश्न है, ललित कला व उपयोगी कला के लिए शिप शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में ललित कला व उपयोगी कला के लिए शिप शब्द जो है उसका प्रयोग देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, हमजा नामा के चित्र किस धरातल पर बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काफ़ी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा कपड़े पर। हालांकि काफ़ी जगह इसमें कागज़ भी इसका जवाब देते हैं, वास्तव में कपड़े पर कागज पर इनका चित्रांकन किया गया था, तो इसका सही जवाब जो है वो कपड़ा ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदि एम दिवीरवाला किस विधा से संबंधित हैं? ये चित्रकार हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार या फिर ये सभी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूर्तिकार। आदि एम दिवीरवाला एक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अर्पिता सिंह का संबंध किस कला समूह से है? अर्पिता सिंह का दोस्तों संबंध जो है वो है द अननोन ग्रुप जो है उससे संबंध रखती है, कौन? अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न है, प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव की अल्हाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? साथियों याद रखिए यह कथन है रस्किन का। रस्किन ने कला के संबंध में यह अपनी डेफिनेशन दी थी। अगला बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1871 में, यानी कि 1871 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रंथ काम शास्त्र के रचयिता कौन है? बहुत ही सामान्य लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वत्स्यायन इसका सही जवाब हो जाएगा, काम शास्त्र के रचयिता। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलेख्यम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? आलेख्यम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चित्रकला के लिए जो है आलेख्यम शब्द यूज किया गया है प्राचीन हमारे ग्रंथों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली को प्रांतीय मुगल शैली किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर मेवाड़ शैली? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर शैली को जो प्रांतीय शैली के रूप में जाना जाता है, प्रांतीय मुगल शैली। अगला प्रश्न है, सिरेमिक या पोट्री के लिए किस कलाकार को जाना जाता है? सिरेमिक आर्ट के लिए कौन जानी जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, ज्योत्सना भट्ट जो है वो सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिसने बंगाल की अकाल ग्रस्त वेदना को अपना विषय बनाया था, कौन सा कलाकार है जिन्होंने बंगाल की अकाल की वेदना को बनाया था अपना विषय? वो है सोमनाथ होर, इसका सही जवाब हो जाएगा सोमनाथ होर, जो प्रिंट मेकर और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जगमोहन चोपड़ा किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न हो जाएगा, रामकिंकर बैज पर किस निर्देशक ने वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऋत्विक घटक, जिन्होंने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, हालांकि इनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी इसलिए ये पूरी नहीं कर पाए थे। अगला प्रश्न है, चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग है, इसके छापाकार कौन है? तो दोस्तों ये जो प्रसिद्ध वर्क है ये है सोमनाथ होर का, जरूर से याद रखिएगा सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अनुमंदित किया गया था, किस कलाकार को अनुमंदित किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हुलास लाल। अगला प्रश्न है, कालीघाट पेंटिंग्स ग्रंथ के रचयिता कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जी हाँ, डब्ल्यू जी आर्चन ने कालीघाट पेंटिंग्स नाम की बुक लिखी है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव का आरोप किसने लगाया है? और दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जी हाँ, ई बी हेवेल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के लिए कहा था कि इनमें काव्यात्मकता का अभाव है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने द डांस ऑफ विंड फिल्म में अभिनय किया था? द डांस ऑफ विंड फिल्म में अभिनय करने वाले या फिर द डांस ऑफ विंड का संबंध किस कलाकार से है? कि दोस्तों वह हैं बीसी सान्याल। साथियों एक बात बताना चाहूँगा, वर्तमान में एग्जाम्स नज़दीक हैं, अपना ज़्यादा समय न बिताएं, हो सके तो लाइव क्लासेस लेने से बचें, क्योंकि आपके समय का दुरुपयोग होता है। एक घंटे में 25 प्रश्न, 60 मिनट में मुश्किल से 20 या 30 क्वेश्चन आप वहाँ पे हल कर पाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि समय का सदुपयोग करें। ऐसी क्लासेस को आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, चाहे तो वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी और का हो, इस चीज़ का जरूर से ख्याल रखिएगा। और काफ़ी सारे साथियों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, दोस्तों मैं लगातार वीडियोज़ ला रहा हूँ, इसलिए आप भी जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है, लाला चितेरा या फिर लाल चितेरा किस शैली के कलाकार हैं? तो दोस्तों वो किस शैली के कलाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, जयपुर शैली के कलाकार हैं लाला चितेरा या फिर लाल चितेरा।
आज के दिन का अंतिम प्रश्न है, शालीमार बाग जो श्रीनगर में स्थित है किसने बनवाया था? दोस्तों शालीमार बाग जो किसने बनवाया था, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जहांगीर, जहांगीर ने वहाँ पर शालीमार बाग बनवाया था। वीडियो कैसा लगा, कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप ज़रूर से बताइए डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा स्कोर रहा था पिछले वाले वीडियो में, चाहता हूँ कि इस बार भी आपका अच्छा ही स्कोर रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।